तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, जहां पर दिल्ली के एक प्राइवेट क्लिनिक में एक डॉक्टर को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ा है। मरीज बनकर आए, दवा लेने के बहाने आए, दो नाबालिग लड़कों ने डॉक्टर पर फायरिंग कर दी, सिर पर गोलियां चलाई और वहीं उस डॉक्टर की मौके पर मौत हो गई। जी हाँ, बेहद बुरी घटना और डरा देने वाली ये घटना है, क्योंकि कोलकाता के रेप मर्डर केस में सबसे बड़ी मांग डॉक्टर्स की यही थी कि डॉक्टर्स की सुरक्षा पर ध्यान दे सरकार, कि जो लोग जो डॉक्टर लोगों की जान बचाते हैं उनकी जान की परवाह न सरकारों को है, उनकी जान की परवाह किसी को नहीं है, उनको खुद अपनी सुरक्षा करनी पड़ती है। क्योंकि उस घटना के बाद से पूरे हिंदुस्तान के कई डॉक्टर्स, जूनियर सीनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर गए थे, सिर्फ यही मांग दिमाग में रखकर कि हमारी सुरक्षा को लेकर सरकार को कुछ करना चाहिए। लेकिन सरकार इससे पहले कुछ करे तो ऐसी बहुत सी घटनाएं सामने निकल के आ रही हैं, जिनमें ये दिल्ली की घटना है, जहां पर एक दिल्ली के प्राइवेट क्लिनिक में अपनी प्रैक्टिस कर रहे एक डॉक्टर पर टारगेट किलिंग की बात की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि टारगेट किलिंग की बात की जा रही है। ये टारगेट किलिंग का हवाला देकर दो नाबालिग लड़कों ने, जिसका जिनमें से एक का डॉक्टर ने 1 अक्टूबर को इलाज किया था, वो अपने साथी के साथ डॉक्टर के पास आता है रिसेप्शन पर, ये कहता है कि मुझे डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लिखवानी है ताकि बाहर किसी भी केमिस्ट से दवा मिल सके, ये कहकर डॉक्टर के क्लिनिक में चल जाता है। तो उसके बाद इससे पहले ही कोई कुछ कर पाए तो उस डॉक्टर के ऊपर लगातार गोली चला दी जाती है, जिसके बाद गंभीर रूप से वो डॉक्टर जख्मी हुआ, सर पर चोट लगी और चोट लगने से वहीं मौके पर उस डॉक्टर की मौत हो गई। फिलहाल ये दोनों आरोपी, जिन पर आरोप है कि उन्होंने डॉक्टर का कत्ल किया है, वो फरार हैं, पुलिस उनको खोज रही है। 16-17 साल की उनकी उम्र बताई जा रही है। और इस पूरी घटना में जो सरकार है, जो पार्टीज हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी है, राजनीतिक दल हैं, वो एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम खेलने में बिजी हैं कि कौन किसको ब्लेम कर रहा है। आम आदमी पार्टी ब्लेम कर रही है केंद्र सरकार को, और वहीं केंद्र सरकार ब्लेम कर रही है आम आदमी पार्टी को। लेकिन हर बार ये देखा गया है कि जब भी दो बड़े हाथी आपस में भिड़ते हैं तो घास ही कुचली जाती है, तो चाहे वो फिर घास डॉक्टर्स के रूप में हो, किसानों के रूप में हो, या आम आदमी के रूप में हो। तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, जहां पर दिल्ली के एक प्राइवेट क्लिनिक में एक डॉक्टर को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ा है। मरीज बनकर आए, दवा लेने के बहाने आए, दो नाबालिग लड़कों ने डॉक्टर पर फायरिंग कर दी, सिर पर गोलियां चलाई और वहीं उस डॉक्टर की मौके पर मौत हो गई। जी हाँ, बेहद बुरी घटना और डरा देने वाली ये घटना है, क्योंकि कोलकाता के रेप मर्डर केस में सबसे बड़ी मांग डॉक्टर्स की यही थी कि डॉक्टर्स की सुरक्षा पर ध्यान दे सरकार, कि जो डॉक्टर लोगों की जान बचाते हैं उनकी जान की परवाह न सरकारों को है, उनकी जान की परवाह किसी को नहीं है, उनको खुद अपनी सुरक्षा करनी पड़ती है। क्योंकि उस घटना के बाद से पूरे हिंदुस्तान के कई डॉक्टर्स, जूनियर सीनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर गए थे, सिर्फ यही मांग दिमाग में रखकर कि हमारी सुरक्षा को लेकर सरकार को कुछ करना चाहिए। लेकिन सरकार इससे पहले कुछ करे तो ऐसी बहुत सी घटनाएं सामने निकल के आ रही हैं, जिनमें ये दिल्ली की घटना है, जहां पर एक दिल्ली के प्राइवेट क्लिनिक में अपनी प्रैक्टिस कर रहे एक डॉक्टर पर टारगेट किलिंग की बात की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि टारगेट किलिंग की बात की जा रही है। ये टारगेट किलिंग का हवाला देकर दो नाबालिग लड़कों ने, जिसका जिनमें से एक का डॉक्टर ने 1 अक्टूबर को इलाज किया था, वो अपने साथी के साथ डॉक्टर के पास आता है रिसेप्शन पर, ये कहता है कि मुझे डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लिखवानी है ताकि बाहर किसी भी केमिस्ट से दवा मिल सके, ये कहकर डॉक्टर के क्लिनिक में चल जाता है। तो उसके बाद इससे पहले ही कोई कुछ कर पाए तो उस डॉक्टर के ऊपर लगातार गोली चला दी जाती है, जिसके बाद गंभीर रूप से वो डॉक्टर जख्मी हुआ, सर पर चोट लगी और चोट लगने से वहीं मौके पर उस डॉक्टर की मौत हो गई। फिलहाल ये दोनों आरोपी, जिन पर आरोप है कि उन्होंने डॉक्टर का कत्ल किया है, वो फरार हैं, पुलिस उनको खोज रही है। 16-17 साल की उनकी उम्र बताई जा रही है। और इस पूरी घटना में जो सरकार है, जो पार्टीज हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी है, राजनीतिक दल हैं, वो एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम खेलने में बिजी हैं कि कौन किसको ब्लेम कर रहा है। आम आदमी पार्टी ब्लेम कर रही है केंद्र सरकार को, और वहीं केंद्र सरकार ब्लेम कर रही है आम आदमी पार्टी को। लेकिन हर बार ये देखा गया है कि जब भी दो बड़े हाथी आपस में भिड़ते हैं तो घास ही कुचली जाती है, तो चाहे वो फिर घास डॉक्टर्स के रूप में हो, किसानों के रूप में हो, या आम आदमी के रूप में हो।